बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मैंने व्लॉग तो रिकॉर्ड कर लिया था, पूरा अपलोड भी करने लगा था, लेकिन कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान में ऐसी हो रही है कि मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मतलब बहुत तश्वीशनाक किस्म की सिचुएशन है। रात के इस पहर जिस तरह से क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप के ऊपर, पूरी लिस्टें बनी हुई हैं, एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, दस के करीब मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का प्लान, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी, पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारी। ये बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन इस टाइम नज़र आ रही है, जो पीटीआई के जलसे के बाद इस टाइम रिएक्शन के तौर पर नज़र आ रहा है। पूरा फुल फ्लेज क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च किया गया है और मरकजी रहनुमाओं की फहरिस्तें, और फिर जिस तरह से इतलात आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं, अनकन्फर्म्ड हैं, अनऑफिशियल हैं। ऑल्दो के जो तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हाउस हैं, उन्होंने तरदीद की वज़ीर आला की गिरफ़्तारी की, लेकिन अगर इन केस ये खबर ठीक है या आगे चल के ऐसा कुछ होता है तो ये तो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन की तरफ मामला को लेके जाया जा रहा है। एंड देन गवर्नर राज की बातें हो रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी, तो बहुत परेशान कुन इतलात हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सब अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और ये सिचुएशन जो है जिस तरह से टेंस होती जा रही है, जिस तरह से हीटअप होती जा रही है, ये सिलसिला यहीं पे थम जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतने वर्स्ट सिचुएशन हो गए हैं। मतलब अरकान पार्लियामेंट तक की अगर गिरफ्तारियाँ होनी है, अगर मुल्क में अरकान कौमी असम्बली जो कानून बनाने वाले हैं वही महफूज नहीं है, उनकी गिरफ्तारियाँ इस तरह से होनी है। मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि कोई एक पार्टी का सरबरा है, एक पार्टी का चेयरमैन है, नहीं। अब बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा, उसने क्या किसी की रिट को चैलेंज करना और क्या उसने करना, बड़े धीमे मिजाज का आदमी है। उसकी गिरफ्तारी, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी, शुएब शाहीन की गिरफ्तारी, लिस्टों में जरताज गुल का नाम भी है, जैन कुरैशी भी सुना है अरेस्ट हो गए। तो जिस तरह की इतलात आ रही हैं, और फिर वज़ीर आला का नंबर बंद है, रबता नहीं हो रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वहाँ के केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, वो बता रहे हैं कि जनाब कोई रबता ही नहीं हो रहा किसी से, नंबर्स बंद जा रहे हैं, और फिर इतला ये आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो सर्कुलेट हो रहा है। मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, वरना ऑफिशियली चेक कर लेता इसको। सर्कुलेट हो रहा है कि जनाब वो गिरफ़्तार कर लिया गया है उनको, और कहीं पता नहीं तहवील में ले लिया गया, और बैरिस्टर साहब ये बता रहे हैं कि उन्हें ये इतला थी कि कुछ टीमें बनाई गई हैं। तो इस जलसे में की जाने वाली जो हालिया तकारीर है, उसके नतीजे में रिएक्शन जो है वो बहुत सख्त आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मैं यहाँ से दुआ कर सकता हूँ कि सब हालात जो हैं वो बेहतर रहें, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, वरना अगर जिस नहज का जलसा हुआ और जिस तरह का रद्दअमल आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता बीच में कुछ एलिमेंट्स इसको मिसयूज़ करना चाहें, या कोई रद्दअमल, कोई मूवमेंट के नतीजे में कोई ऐसा शुरू हुआ, तो फिर क्या मतलब होगा। यहाँ पे हर दूसरा बंदा या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमसे ये पूछ रहा है कि हालात कब बेहतर होंगे, कब ठीक होंगे। हम उनको यही बता रहे हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, बेफिक्र रहें, सब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बेहतरी वाले नहीं लग रहे, और अगर खुदा न खास्ता गवर्नर राज की तरफ मामला जाता है तो वो और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है, अभी लेटेस्ट उनका जो दावा सामने आया वो ये कि उन्होंने कोई आईनी तरमीम करने के लिए नंबर्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। अगर इस तरह से नंबर्स पूरे करने हैं कि एक तरफ पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां जो पीटीआई से वाबस्ता है, और फिर जो आज़ाद लोग हैं अगर उनको साथ मिलाना है और कहना है कि जनाब हम कोई आईनी तरमीम करने लगे हैं, नंबर्स हमारे पास पूरे हो गए हैं, तो किस किस्म की आईनी तरमीम? फिर तो आईनी तरमीम ला के पूरी पीटीआई अंदर, पूरी पार्टी अंदर, फिर तो पीटीआई का नामो निशानी एक तरह से ख़त्म। अगर आईनी तरमीम का इस टाइम आईनी तरमीम का हक मिल जाता है हुकूमत को, तो जो बंधे हुए हाथ हैं वो तो फिर पूरे ही खुल जाएंगे। अभी मैं बंधे हुए हाथ इसलिए कह रहा हूँ कि आईनी तरमीम करने के नंबर्स नहीं थे, वरना तो हाथ बहुत ही खुले हुए हैं। लेकिन अगर आईनी तरमीम भी करने के लिए उनके पास नंबर्स पूरे हो जाते हैं, तो फिर मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? मुझे तो ये रुकता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। और इतला ये है कि मौलाना फजलुर्रहमान भी कोई ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, कई मुलाकातें हुई हैं उनकी, और अभी लिस्टों में वो महमूद अचकज़ई का नाम था, उन्होंने जलसा किया और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जलसा है, इतना मैसिव जलसा है, लेकिन मुझे पीटीआई की लीडरशिप से गिला है कि इतने हज़ारों की तादाद में लोग आने के बावजूद इमरान खान गिरफ़्तार हैं, तो क्यों गिरफ़्तार हैं, मुझे इस बात का अफसोस है। और अब पता चल रहा है कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो भी ख़तरे में, उनकी भी गिरफ़्तारी की कोशिश की जा सकती है। तो लिस्टों में और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक काम जो पीटीआई की लीडरशिप ने किया, बेहतर किया, पार्लियामेंट के अंदर थे जब गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई, सारे के सारे लोग चले गए अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। लेकिन जो अच्छा काम किया वो ये कि बाहर आ गए, उन्होंने गिरफ्तारी कानून के मुताबिक दे दी, क्योंकि अगर पूरी रात भी अंदर रहते, एक दिन भी अंदर रहते, तो जब जैसे ही बाहर निकलते तो गिरफ़्तारी तो होनी थी। स्पीकर कौमी असम्बली से रबता नहीं हो रहा, जो कौमी असम्बली का अमला है वो इस टाइम गायब है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि
सबको पता भी है कि क्या होने वाला है और कोई इसकी ऑनरशिप लेने वाला नहीं है। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली के पास ठीक ठाक किस्म का वो एक पावर होती है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकता है। इमरान खान साहब को जब अडियाला जेल में बताया गया जलसे के बारे में कि जलसा कामयाब हुआ, उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्हें मालूम भी था, अंदाज़ा भी था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन जेल में बैठा एक शख्स जिसको ये पता हो कि मेरी कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान निकल आया बाहर, तो ऑब्वियसली उन्होंने खुशी का इजहार किया। और वो अभी भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो किसी स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले क्योंकि जलसा सुपर डुपर हिट हुआ, तो इससे पहले कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आए या कोई आगे आईनी तरमीम के बाद कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो, तो जनाब ये क्रैकडाउन जो है इस टाइम फुल फ्लैज लॉन्च हो चुका। आने वाले वक्त में शायद गवर्नर राज की खबरें आपको जो इस टाइम अफवाहों की सूरत में मिल रही हैं, शायद उनकी तस्दीक होती दिखाई दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मौका इस टाइम वो हुक्मरान इत्तेहाद देना चाहता है जिससे PTI को या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों को कोई लॉन्चिंग पैड मिल सके, क्योंकि KP गवर्नमेंट का जिस तरह से इस वक्त उनकी बैक पे थी या जिसकी उनको सपोर्ट हासिल थी, उससे थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो बड़ी हैं। एनीवेज मैंने कुछ व्लॉग का हिस्सा पहले से रिकॉर्ड कर रखा था, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया वो मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से और बाकी कुछ मामलों के हवाले से। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। ये वीडियो का पहला पार्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया था, आप वो मुलाहिज़ा करें और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला बेहतर करे। आपको पता है पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात एक जलसा हुआ और उस जलसे की गूंज या उस जलसे की धूम जो है वो अभी तक बरकरार है और अभी तक वो सहर ख़त्म नहीं हो पाया। उसकी दो रीज़न्स हैं, एक तो PTI के अपने लोग जो हैं वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं ना कि देखें इतना बड़ा जलसा हमने कर दिखाया और इतनी रुकावटों के बावजूद, इमरान खान के बगैर इतनी रुकावटों के साथ लीडरलेस ये जलसा करना आसान नहीं था, बहरहाल कर दिखाया। और दूसरी वजह हुकूमती हलकों से आने वाला वो सख्त रद्दअमल है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुक्मरान इत्तेहाद का जो कैंप है वो इस जलसे की हीट को फील कर रहा है। हुकूमत जो है उसने अपने नए कानून का सहारा लेके जो अभी अभी रिसेंट पास कराया, उसके बाद उन्होंने जनाब कोई नया मुकदमा बनाने की तैयारी कर ली है और उसके लिए जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। कोई इस्तगासा की कोई रिपोर्ट होती है वो तैयार कर ली गई है और हो सकता है आने वाले चंद दिनों में आपको या चंद घंटों बाद पता चले कि कोई मुकदमा भी दर्ज हो गया इस्लामाबाद की क़यादत पर। बहरहाल ये एक लंबा सिलसिला चलता ही रहता है। थोड़ी सी बात करते हैं ज़रा कानूनी और मामलों के हवाले से। आज इमरान खान बुशरा भी ज़मानत का मामला भी था, उनका केस जो नैब की ज्यूरिसडिक्शन से निकल गया, नैब तरामीम बहाल होने के बाद वो किसी और जज साहब के पास मुंतकिल किया गया। उस पर आने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन की ये कि आज अदालती साल का पहला दिन था, सितंबर से आगाज़ होता है अदालती साल का, तो आज उसका पहला दिन था। फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, काजी फ़ायज़ीसा साहब आए, साथ में सारे जजेस बैठे, उन्होंने पूरी अपनी वो उनके टेन्योर का जो भी मामला रहा कि क्या वो उनकी काविशें रही, क्या कोशिशें रही, वो सारा उन्होंने बताया है। जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस ख़त्म हो गया तो फिर कुछ जर्नलिस्ट के साथ उनकी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, ना एक्सटेंशन लूँगा और ना ही उम्र की हद बढ़ाए जाने के तौर पे वो दोबारा से चीफ जस्टिस के अहदे पर काम जारी रखेंगे। ये दोनों चीज़ों की उन्होंने नफ़ी कर दिया, दैट मीन्स के कोई एक्सटेंशन प्लान इस वक्त नहीं है। अगर काजी फ़ायज़ीसा साहब खुद ये कह रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे ना कि छोटी सी कन्फ्यूजन है, अगर वो खुद चाहें तो एक मिनट में दूर हो सकती है, तो मेरा ख्याल है जिस तरह से उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करते हुए इसको क्लैरिफाई किया है, बल्कि साफियों ने उनसे कहा, राणा सनाउल्ला साहब तो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ा दें जाए सारे जजेस की तो फिर आपको मंजूर है या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्ला साहब तो उस मीटिंग में नहीं थे जिस मीटिंग में मैंने ये कहा था कि अगर उम्र भी बढ़ानी है तो बेशक बाकी जजेस की बढ़ा दें, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो अभी तक उनका तो जो माइंड डिस्क्लोज हुआ है वो ये है कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कोई अहम कानून साजी करने का इरादा रखती है और करने जा रही है। पार्लियामान का आपको पता है इजलास जारी है, पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, और उसके साथ साथ आसिफ जरदारी ने भी अपने सारे जो अरकान हैं उनको इस्लामाबाद में बुलाया है, मुस्लिम लीग नून ने भी अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद में बुलाया है, PTI वालों ने भी सबको इस्लामाबाद रहने का कहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कानून साजी की सूरत में होने जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान को अभी भी खदशा बरकरार है कि ये हो सकता है, उन्हें लगता है कि किसी भी मोमेंट पे कोई सरप्राइज़ आ सकता है हुकूमत की तरफ से जिसके नतीजे में काजी फ़ायज़ीसा साहब का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो वो अभी भी अडियाला जेल से बैठ के यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देंगे। तो अभी जो उन्होंने जलसा किया ना, इसके बाद थोड़ा इमरान खान मॉरली
थोड़ा सा स्ट्रांग हुए होंगे, यकीनन के उनको ये लगता होगा कि अब जब भी वो नेक्स्ट कॉल देंगे तो आवाम निकलेगी, तो वो अब बार बार उस चीज़ पे हैमर कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट स्ट्रीट कॉल दे सकते हैं। एक तस्वीर को अगर आप देखें यहाँ पे, इस तस्वीर में आपको बच्चों से लेके, मतलब 7-8-10 साल के बच्चे से लेके 3rd जनरेशन तक के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन अलग नज़र आ रही हैं, मर्द अलग नज़र आ रहे हैं, बच्चे अलग हैं, एक 40-50 साल की एज के लोग अलग हैं, उससे ऊपर के लोग अलग हैं। तो मतलब हर जनरेशन की नुमाइंदगी जो है वो भरपूर तरीके से रही इस जलसे में। यही वजह है कि इमरान खान बड़े खुश दिखाई दिए अडयाला जेल में जब आज उनकी मुलाकातें हुई। सबको इंतज़ार ही था इमरान खान के रद्दअमल का, ऑब्वियसली इमरान खान की कॉल पर ही लोग निकले थे। तो आज जब जाके उनको बताया गया कि आपकी कॉल पे ऐसा रिस्पांस आया या नेशन ने ये रिस्पॉन्ड किया और किस किस तरह से लोग पहुंचे हैं, तो इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई दिए। और वो बल्कि उनके वकील का मैं क्लिप देख रहा था, वो बताते हैं कि इमरान खान की मुस्कुराहट देखने वाली थी, वो कितना खुश हुए। ऑब्वियसली उनकी एक पूरी स्ट्रगल लाइन है, एक पूरा उनका एक टाइम लाइन को अगर आप देखें तो इसी किस्म की मूवमेंट है। अभी वो ये सब नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उन्हें जेल में बैठे एक ही खुशी मिल सकती है अपनी रिहाई की बात के अलावा, कि उनके लोग जो हैं वो निकले। फोकस उनका इसी के ऊपर है, बार बार वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपको निकलना होगा, अपनी आज़ादी के लिए निकलना होगा या अपने हकूक़ के लिए निकलना होगा, आइन पर अमलदारी के लिए निकलना होगा। तो जब उनको ये पता चलता है कि उनकी जेल में, जेल की 4 दीवारी में कही जाने वाली बातें जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जा रही हैं, तो यकीनन वो खुश हुए। यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में टॉपिक ऑफ द डे जो है वो यही रहा, और सब ने बताया कि कैसे हज़ारों लोग इमरान खान की हमायत में सड़कों पर निकले। तो ये काफ़ी मोमेंटम जो है ज़बरदस्त रहा, आप देखते हैं कब तक बरकरार रहता है। दूसरी जानब पीटीआई ने लाहौर जलसे का ऐलान कर रखा है, एनओसी मिले ना मिले जलसा करेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहेंगे, ख़ासतौर पर पीटीआई के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि आप बिल्कुल आसानी से जाएं और पंजाब में जाके जलसा कर लें मीनारे पाकिस्तान पे। ऑब्वियसली चैलेंजेस रहेंगे। जाते जाते अपडेट ये कि इमरान खान का, आपको पता है बुशरा बीबी और इमरान खान का जो तोशाखाना पार्ट 2 का केस था वो नैब तरामीम बहाल होने के बाद अब नैब की ज्यूरिसडिक्शन से निकल गया। तो जब उनकी ज्यूरिसडिक्शन से निकल गया तो जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है जिसमें नैब तफ्तीश कर रही है सारा कुछ या आगे गवाहान पेश कर रही है, तो उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि जनाब अब तो हमारे दायरा इख्तियार से निकल गया, तो ऑब्वियसली किसी और के पास अब किसी और अदालत को मुंतकिल करना पड़ेगा, तो FIA को और हमारे दायरा इख्तियार से निकल गया तो ऑब्वियसली अब ये किसी और इदारे को मुंतकिल करना पड़ेगा, जैसे FIA या एंटी करप्शन, तो FIA को रेफ़र कर दिया गया। तो एहतसाब अदालत के जज साहब ने भी ये केस अपनी ज्यूरिसडिक्शन से निकाल के जो FIA के केसेस की समाप्त करने वाले हैं स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद, उनको मुंतकिल कर दिया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि दो जजेज़ हैं, स्पेशल सेंट्रल जज 1 और 2। तो जो 1 है उनके पास रेफ़र किया गया है, जो स्पेशल सेंट्रल जज 2 हैं वो हुमायूं दिलावर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में सबसे पहले सज़ा सुनाई थी, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और वो तब से लेके अब तक गिरफ्तार है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद हुमायूं दिलावर साहब के पास ये केस जा रहा है, उनके पास नहीं जा रहा, ये और एक जज साहब हैं उनके पास रेफ़र किया गया है। तो कल से इसकी समाप्त होने जा रही है, ज़मानत के ऊपर भी फैसला होगा। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।